गूगल मैप्स हर कोई यूज करता है, नेविगेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन में से एक है। जब आप गूगल मैप्स की सैटेलाइट व्यू में जूम करते जाते हो तो आपको एक एक पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, रोड सब कुछ नजर में आ जाता है, तालाब वगैरह सब कुछ दिखता है। पर जैसे सब कुछ थोड़ा सा धुंधला लगता है, थोड़ा सा ब्लरी लगता है। दूसरी तरफ अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की सैटेलाइट इमेजरी को देखोगे तो आपको काफी शार्प एंड क्लियर नजर में आएगा, चाहे आप यूएसए को देखो, यूएई को देखो, या फिर यूरोप को देखो, या फिर कोई और देश हो। अब ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, आइए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। पहले आप एक छोटा सा कंपैरिजन देख लो। यह है हमारे देश के अंदर सैटेलाइट इमेजरी, डिटेल आपके सामने है, और यह है यूएस की एक इमेजरी, कार्स रोड्स पर डिटेलिंग आप देख सकते हो। एयरपोर्ट को भी देखो, ये हमारे देश के अंदर है और ये है यूएस के अंदर। मैप्स में डिटेल ना होने के पीछे मेनली दो रीजन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, इम्पोर्टेंट जितने भी सिटीज है इनकी जो सैटेलाइट इमेजरी आप देखते हो वो मोस्टली सैटेलाइट से कैप्चर नहीं किया जाता, वो कैप्चर की जाती है ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, या फिर एयरप्लेन्स के जरिए। गूगल या फिर गूगल की डेटा प्रोवाइडर्स प्लेन्स, ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स में डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं, फिर वो प्लेन्स, ड्रोन्स या फिर हेलीकॉप्टर जो भी यूज हो रहा हो वो उन सिटीज के ऊपर से उड़ के डिटेल इमेजिंग करते हैं। अब इंडिया में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरप्लेन्स के जरिए इमेजिंग करने की परमिशन नहीं दी जाती, नहीं दिया जाता। अगर मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसीलिए गूगल या फिर गूगल के डेटा प्रोवाइडर्स प्लेन्स का इस्तेमाल इंडिया में करते ही नहीं है। तो जो मैप्स आप देखते हो वो ज़्यादातर सैटेलाइट पे ही डिपेंडेंट है, वो सैटेलाइट इमेजरी पे ही डिपेंडेंट है। दूसरे बाहर के देशों में जहाँ पर परमिशन दे दी गई है वहाँ पर ना ही सिर्फ सैटेलाइट, उसके साथ ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन से भी इमेजिंग की जाती है और फिर सैटेलाइट इमेजरी से उसको सिंक कर दिया जाता है, इसीलिए वो इतना क्लियर नजर में आता है। और प्लेन्स एंड ड्रोन से जो इमेजिंग की जाती है इसको एरियल फोटोग्राफी बोला जाता है। दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है हमारे देश का कानून या फिर लॉ। हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज को जनरल यूज के लिए मैक्सिमम रेजोल्यूशन की लिमिट सेट की गई है जो कि है 1 मीटर स्पेशल या फिर 1 मीटर GST, ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस या फिर ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस। इसका मतलब सैटेलाइट जो इमेज कैप्चर करेगा उसका एक छोटा पिक्सल एक्चुअल ग्राउंड पर, एक्चुअल जमीन पर उसका साइज होगा 1 मीटर बाय 1 मीटर की, और ये भी मैक्सिमम परमिटेबल रेजोल्यूशन है। कुछ जगह पर तो इससे भी कम रेजोल्यूशन परमिट की जाती है। रेजोल्यूशन का मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक पिक्चर, एक इमेज छोटे छोटे स्क्वायर्स को मिला के बनते हैं। इन छोटे छोटे स्क्वायर्स को एक एक पिक्सल कहा जाता है। जितना छोटा ये स्क्वायर्स होगा उतना ही इमेज में डिटेलिंग ज़्यादा होगी। YouTube पर जब आप वीडियोस देखते हो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है 480p, 720p, 1080p या फिर 4K। 720p का मतलब है 1280x720, ये पूरा रेजोल्यूशन है, और 1280x720 इसका मतलब हॉरिजॉन्टली 1280 पिक्सल्स मौजूद हैं, 1280 स्क्वायर्स मौजूद हैं, और वर्टिकली 720 पिक्सल्स मौजूद हैं या फिर 720 स्क्वायर्स मौजूद हैं। 1080p के साथ भी सिमिलर केस है, हॉरिजॉन्टली उसमें 1920 स्क्वायर्स मौजूद हैं और वर्टिकली उसमें 1080 स्क्वायर्स मौजूद हैं। नॉर्मल फोटोज़ में ये स्क्वायर्स बहुत ही छोटे होते हैं, आपको अपने आँखों से दिखेगा भी नहीं, पर सैटेलाइट इमेजरी इतने बड़े स्केल में होने की वजह से ये स्क्वायर्स कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर्स तक हो सकते हैं। साल 2005 में जब गूगल मैप्स लॉन्च हुआ था तब गूगल ने डिसाइड किया था कि पूरे दुनिया के सारे देशों की मैप दिखाया जाएगा गूगल मैप्स पर। उस समय टेक्नोलॉजी नया था तो बहुत सारे देशों ने अपने देश की या फिर अपने राज्यों की संवेदनशील इलाकों की जानकारी किसी दूसरे देश के प्लेटफॉर्म में दिखाना उचित नहीं समझा। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपने देश की मैप को गूगल मैप्स पर दिखाने से मना कर दिया। रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये तीनों देश मेनली गूगल मैप्स पर अपने देश को दिखाने से मना किया था। पर बदलते समय के साथ दुनिया के सारे देशों ने गूगल मैप्स का यूज करना शुरू कर दिया। इससे लोगों को भी काफी फायदा होने लगा, लोग भी अपने मर्जी मुताबिक गूगल मैप्स का यूज करके कहीं भी जा सकते थे, साथ ही साथ कंपनीज को भी इससे फायदा होने लगा, तो धीरे धीरे गूगल मैप्स हर जगह यूज होने लग गया। पर इंडिया के पास अभी भी कुछ परेशानियां थी। इंडिया पूरी तरीके से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, तो बॉर्डर, सैनिक अड्डा, रोड नेटवर्क जैसे गुप्त जानकारी इंडिया किसी दूसरे कंट्री के कंपनी के साथ शेयर करना उचित नहीं समझा। तो इसीलिए इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इंडिया की मैप को गूगल मैप्स पर हाई रेजोल्यूशन पर नहीं दिखाया जाएगा। पहले पहले क्या हुआ था कि इंडियन डिफेंस
इंडिया की सुरक्षा को देखते हुए मैप की जानकारी पब्लिक करने से डरती थी। तो इसीलिए सुरक्षा सलाहकारों ने ये सलाह दिया कि गूगल मैप्स के अंदर इंडिया को पूरी तरीके से ब्लैक दिखाया जाए। पर गूगल को यह मंजूर नहीं था। गूगल का यह कहना था कि इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश को मैप में ब्लैक दिखाना अजीब होगा, तो इसीलिए मैप को उन्होंने ब्लर कर दिया। जब आज से कुछ साल पहले गूगल मैप्स का चलन शुरू हुआ, जनरल पब्लिक के लिए सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल हो गए, तब गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते पूरे के पूरे जनता को एंड स्पेशली प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटी रीजंस के चलते हाई रेजोल्यूशन यूज करने की परमिशन नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए 1 मीटर GHD की स्टैंडर्ड सेट की गई। तो अगर ऐसा कोई सैटेलाइट भी है जो 1 मीटर GHD से भी ज़्यादा रेजोल्यूशन निकाल सकता है, तो उसको वर्चुअली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उस फुटेज को आर्टिफिशियली ब्लर किया जाता है ताकि 1 मीटर GHD का रेजोल्यूशन बताया जा सके। ज़्यादा रेजोल्यूशन होने से ये कॉन्सर्न था कि इस मैप का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, और ये सोच दुनिया के पहले हर गवर्नमेंट को था। पर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, मैप्स का इस्तेमाल डिफरेंट तरह के कामों में होने लगा, तो इंडस्ट्रीज से डिमांड आना शुरू हुआ कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को बढ़ाए। तो डेवलप्ड देशों के गवर्नमेंट हर 4 से 5 साल में रेजोल्यूशन अपडेट करते हैं। जहां पर उन्होंने शुरू किया था 2 मीटर GHD 3 मीटर GHD से, अब वो ज़्यादा रेजोल्यूशन परमिट करते हैं। इंडिया में कंपनीज के लिए लास्ट GHD अपडेट किया गया था 2011 में। अब इंडिया में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर स्ट्रीट व्यू अलाउड है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हर जगह में तो ये अलाउड नहीं है, पहले तो इंडिया में ये बिल्कुल बैन था, अब ये बैन हट गया है और स्ट्रीट व्यू इंडिया में अलाउड है, आप अपने मर्जी मुताबिक उसका यूज़ कर सकते हो और गूगल मैप से ही ये एक्सेस किया जा सकता है। स्ट्रीट व्यू कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो। स्ट्रीट व्यू में जो इमेजेस कैप्चर की जाती है वो स्पेशल 360 डिग्री कैमराज के जरिए किया जाता है। बहुत बार कार्स में, राफ्ट्स में, इवन लोग भी हायर किया जाता है। लोग अपने बैकपैक में कैमरा को लेके मूव करते हैं, ऐसे जगह पर वो जाते हैं जहां पर कार्स या फिर राफ्ट्स वगैरह नहीं जा सकता। जैसे जैसे कैमरा मूव करता जाता है वो स्लाइटली ओवरलैप्ड इमेजेस कैप्चर करता जाता है, फिर बाद में स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए उसको मैप के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर स्ट्रीट व्यू में लोगों की फेस दिखता है तो उसको ब्लर किया जाता है, अगर कार्स की नंबर प्लेट दिखती है तो उसको भी ब्लर किया जाता है आर्टिफिशियली। स्ट्रीट व्यू में इवन हम और आप जैसे नॉर्मल लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आपको शायद पता चल गया होगा कि गूगल मैप्स में क्यों इंडिया की मैप थोड़ा सा ब्लर दिखता है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे सब करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या हो जाए, मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे सब करता हूं। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।